Right now I am here at Sialdah station with my wife and my daughter and यहाँ से एक मैं एक 7 दिन के ट्रिप में नॉर्थ बंगाल जा रहा हूँ जो एक्चुअली नॉर्थ बंगाल मतलब ज़्यादातर लोग वेस्ट बंगाल के बाहर जो लोग रहते हैं वो दार्जिलिंग को ही समझते हैं लेकिन हम कुछ ऑफबीट लोकेशंस को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ सो अ न्यू सीरीज इज़ गोइंग टू कम एंड द नेम ऑफ दिस सीरीज इज ऑफबीट दार्जिलिंग अगर आपको ये पूरा सीरीज देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिलता रहे अभी 8:30 बजे हमारा ट्रेन है जो सियालदह से छूटेगा और कल सुबह 8:30 बजे तक हम सिलीगुड़ी जंक्शन पहुँच जाएंगे वहाँ मिलते हैं आपसे गुड मॉर्निंग गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं सिलीगुड़ी जंक्शन में द ट्रेन वॉज राइट इन टाइम तो हमारा पहला डेस्टिनेशन है छटकपुर अभी वहाँ के होम स्टे से गाड़ी आ रहा है हमें पिकअप करने ये है रवि जी हमें आए हैं पिकअप करने के लिए और यहाँ से हम छटकपुर जाएंगे छटकपुर का डिस्टेंस सिलीगुड़ी से लगभग 70 किलोमीटर है तो जर्नी स्टार्ट करते हैं अभी 2 घंटा लगेगा छटकपुर पहुँचते पहुँचते एनजीपी या बागडोगरा से छटकपुर जाने के लिए 3 रूट है एक है भाया मिरिक होके दूसरा है भाया कालिम्पोंग एंड थर्ड इज भाया सोनादा हम सोनादा के रूट से छटकपुर जाएंगे सोनादा से छटकपुर का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर लेकिन इस 7 किलोमीटर का रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है इसलिए छटकपुर छोटा कार नहीं जा सकते और बड़ा कार का एनजीपी या बागडोगरा से पिकअप चार्ज है 3000 रुपीस ये है छटकपुर का एंट्री पॉइंट यहाँ से आपको परमिशन करवाना होता है पर पर्सन 120 रुपीज़ चार्ज होता है और गाड़ी के लिए 400 रुपीज़ देना पड़ता है दिस इज़ द व्यू ऑफ दिस हमें यहाँ परमिशन के लिए रुके हैं और ये सेंचल फॉरेस्ट के अंदर आते हैं आप देख रहे हैं दिस इज़ द फॉरेस्ट एरिया
तो हम पहुंच चुके हैं चटकपुर। आज वेदर काफ़ी फॉगी है और काफ़ी ठंड भी है। तो यहाँ पीछे हमारा होम स्टे है, पीछे ये नरबू शेरपा जी का होम स्टे है। तो ये बहुत ही एक रिमोट प्लेस है, ये एक स्मॉल विलेज है। चटकपुर एक स्मॉल विलेज है जो जिसका हाइट है 7,800 फीट और जो दार्जिलिंग से काफ़ी ऊपर है। तो ये इसमें इस विलेज में ओनली 19 फैमिलीज रहते हैं और यहाँ से बेसिकली ये प्योर नेचर को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप चटकपुर आ सकते हैं। और अगर वेदर क्लियर है तो आपको यहाँ से कांचनजंगा का फुल व्यू मिलेगा। अभी वेदर फॉगी है तो आज कांचनजंगा को देखने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो देखते हैं कल क्या होता है। ये है हमारा होम स्टे का रूम, नोरबू शेरपा होम स्टे। ये डबल बेड है, यहाँ पे एक डबल बेड है और यहाँ पे एक सिंगल बेड भी है। और अब बाथरूम दिखाते हैं। दिस इज वॉशरूम और इसमें गीजर भी है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। लेकिन चटकपुर में आपको रूम हीटर नहीं मिलेगा क्योंकि ये पावर कट का चांसेस होता है हीटर लगाने से, इसलिए चटकपुर में आपको रूम हीटर नहीं मिलेगा। नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर लंच। दोपहर के 2 बजे है। लंच के बाद हम थोड़ा निकले थे गांव घूमने, लेकिन वेदर काफ़ी ख़राब हो गया और ठंड भी बढ़ने लगे, इसलिए हमने होम स्टे पे वापस आ गए। अभी रात 9 बज चुके हैं और हम डिनर के लिए रेडी है। हम आ चुके हैं डाइनिंग टेबल पे। बहुत ही ठंड है, 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर होगा, मतलब खाना जल्दी ही ठंड हो रहा है। तो 9 बज चुके हैं, हम अभी आ चुके हैं खाना खाने। तुम क्या खाओगी, राइस या रोटी? राइस।
राइस, हम सभी राइस खा रहे हैं। राइस के साथ है दाल, आलू भाजी और चिकन। सो दैट्स द एंड ऑफ डे वन इन चटकपुर। कल हम एक छोटा सा ट्रेक पे जाएंगे और वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक के लिए इट्स गुड बाय।